हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो वो अभी मॉर्निंग का है टाइम और ये संडे का ब्लॉग है। ब्लॉग में 2 दिन से आपके साथ शेयर कर नहीं पाई थी, तो फिर जो भी है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मौसम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हल्की हल्की धूप लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। और बच्चों के पापा पीछे यहाँ पर धूप, क्योंकि इस साइड को बैक साइड को हमारे इधर धूप लग जाती है ना, और इस वाली साइड को नहीं होती। ये देखिए जी, यहाँ पे चली हुई है पढ़ाई। ये लो, तुम लोग बेचारे धूप में खेल पढ़ रहे हो ना, तो केला दो इनको, एक आप खाओ और एक एक, एक इनको दो, और एक निशानी भी जाने दो। ये ना सारी रजाइयाँ मैंने बाहर निकाल दी थी, कपड़े वपड़े, आज इनका रूम भी यहाँ से खोल दिया, ये बंद करके रखती हूँ ना मैं इधर से, क्योंकि 2 एंट्रियाँ हो गई है ना फिर रूम में, और सारा रूम आज खाली कर दिया है। स्किन केयर की जब भी बात आती है समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, किस तरह के स्टेप्स फॉलो करें। कुछ नहीं करना, CTM, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड दैट्स इट, आपकी स्किन केयर कंप्लीट है। अब इसके लिए कौन से प्रोडक्ट सही रहेंगे? मामा अर्थ आपके लिए लेकर के आया है ग्रीन टी रेंज, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपकी स्किन को यंग और यूथफुल बनाए रखता है, साथ ही पोर्स को श्रिंक करने का काम भी करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल का टाइम ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन, डर्ट, डायरेक्ट सन रेज जब आपके फेस पे पड़ती हैं, तो ओपन पोर्स की समस्या हर किसी के लिए एक कॉमन सी समस्या बनी हुई है। तो ग्रीन टी की ये रेंज बहुत ही कारगर है। किस तरह से यूज करना है? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मामा अर्थ ग्रीन टी फेस वॉश विद ग्रीन टी एंड कोलेजन। ये इनबिल्ट ब्रश के साथ आता है, जो कि आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आफ्टर फेस वॉश हम यूज़ करेंगे मामा अर्थ ग्रीन टी फेस टोनर, जो कि हमारे चेहरे पे पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है। अच्छे से स्किन में अब्जॉर्व होने के बाद हम यूज़ करेंगे मामा अर्थ ग्रीन टी डे क्रीम। इट कम्स विद SPF 30, प्रोवाइड्स 24 आवर्स हाइड्रेशन एंड कम्स विद द लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला। मामा अर्थ के प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल्स से फ्री हैं, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड हैं और हर तरह के स्किन टाइप को सूट करते हैं। मामा अर्थ एक इंडियन प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाई 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्री। इतना ही नहीं, मामा अर्थ ने अभी अपना गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें फ्री शिपिंग, फ्री गिफ्ट्स और एक्सक्लूसिव सेल्स चलते रहते हैं, तो आप बेनिफिट उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, मामा अर्थ की अपनी वेबसाइट और मामा अर्थ की अपनी ऐप भी है, तो वहां पर इजिली मिल जाते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट आज मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर मेंशन हो रहे कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 20% ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप चेकआउट जरूर कीजिएगा एंड से हाई टू स्मूथ स्किन, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मामा अर्थ की ग्रीन टी रेंज बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। संडे के दिन थोड़ा लेट शुरुआत होती है ना दिन की, उठते भी सभी लेट हैं और बाकी सारी चीज़ें फिर लेट लेट ही चलती हैं, तो इसके बाद फिर साफ़ सफाई का काम चलेगा। यहाँ पे बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया था मैंने सुबह, ये लोग लेट उठे थे, तो फिर मैं क्या रूम में ही दे देती हूँ। आजकल ठंड होती है ना सुबह सुबह, फिर बच्चों को ठंड लग जाती है, तो फिर बेड में दे देती हूँ। गलत कर रही है ना? अच्छा पहले खा लो इसको, फिर करो आफ्टर द ब्रेक। मिठू अपना ये खा लो, अरे ईशान मुझे जान दो बेटे। ये लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इनको चुपचाप पढ़ने देती हूँ, और मैं यहाँ से निकल ली। मतलब मैं अभी किचन में ही थी, लंच भी प्रिपेयर कर रही थी और साथ में साफ सफाई का भी काम चला हुआ था, तो इन्होंने जूठा छोड़ दिया था, ये रख दिया मैंने यहाँ पे ना। साफ़ सफाई वैसे किचन में मैंने कर ली थी, लेकिन एक कांड हो गया, फिर मेरे से दूध गिर गया, तो फिर इसको फिर से समेटना पड़ेगा। और बस दिन संडे का कैसे निकल जाता ना कुछ पता ही नहीं चलता। ये अब नेक्स्ट डे मंडे का है
और आज चिल्ड्रन डे है। हैप्पी चिल्ड्रन डे। और ये मिठू बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ है। हाँ, और स्कूल भी जा रहा है, स्कूल भी नहीं किया। मिठू स्कूल नहीं जा रहा है तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? पार्टिसिपेट करना चाहिए था इसको और जाना चाहिए था स्कूल में। ये स्पीच भी बोल सकता है, अभी है इसके पास टाइम। अब कहाँ से टाइम, इसने प्रिपेयर ही नहीं किया कुछ भी। अरे तो माय बेस्ट फ्रेंड आता है, वो तो हर एक किसी को आता है। अच्छा बोल देगा ये स्पीच में। अच्छा चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ पूरा ड्रेस। चलो बाहर चलते हैं, चलो चलो जल्दी करो, लेट हो गए बेटे। मेकअप भी करेगी? ओ माय गॉड, 18 साल के बाद ही करना चाहिए मेकअप वरना फेस खराब होता है। क्या बात है, क्या बात है, ये किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। ठीक है ठीक है, बाय बाय, हैप्पी चिल्ड्रन डे। ओके ओके, गुलाब जल। हाँ चल रहा है भाई मेकअप, क्या बात साफ हो रहा है इसका फेस गुलाब जल की मदद से। 18 साल के बाद करना चाहिए मेकअप। वारा भाई बस 18 साल वाला बोल रहा है, 18 साल के बाद ही करना चाहिए था मेकअप। मेकअप में कुछ निकल रही हूँ थोड़ा सा भाई, जैसे अब फंक्शन है ना तो थोड़ा बहुत हाईलाइट तो करना पड़ता है, जैसे और कुछ नहीं लगाऊंगी। और सही बात भी है, बच्चों की फेस पे लगाना नहीं चाहिए, इतना स्किन खराब हो जाती है। तो इसको लगाएंगे हम आईलाइनर, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये। धूप वाली, धूप तो देखो धूप भी लग रही है। धूप लगेगी तो भी और नहीं लगेगी तो भी। एहसान भी तो आज गोरी हो रही है। कभी गोरी नहीं होती। अच्छा तो पीते नहीं आए? हाँ दूध तो पीते हैं, जो दूध पीते हैं जो वो ज्यादा गोरे होते हैं, वही सुंदर होता है बस। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मैं इसको हाईलाइट जैसा कर रही थी। और मैं बस लिपस्टिक की हेल्प से, मेरे पास ये लाइनर था ना गोल्डन कलर का, सिल्वर का भी है, 3-4 कलर है मेरे पास इस तरह के। तो ये लिक्विड आईलाइनर है तो ये मैंने इसको लगाया, थोड़ा सा ना अच्छी सी शेप आ जाती है। और बाकी फिर लिपस्टिक की ही हेल्प से लिपस्टिक भी लगा दी ना, हल्की हल्की अच्छी लगती है मतलब ऐसे फंक्शंस में। और आई शेडो भी इसी का ही मैंने बना दिया, क्योंकि बच्चों की स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एक दिन ही सही पर अगर हम कुछ इस तरह के प्रोडक्ट लगा देते हैं तो स्किन ख़राब होती है। तो फिर और लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ होती है ना, क्योंकि देखिए लिप्स पे हम यूज़ करते हैं और लिप्स की जो स्किन होती है ना सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है। क्या बात, तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मतलब आपका ख़राब नहीं होता। तो फिर आईज़ पे भी मैंने इसी से, और लेट हो गए हैं, थोड़ा सा हाईलाइट मतलब लगता है, अच्छा लगता है आईज़ बड़ी बड़ी थोड़ा थोड़ा लगा, वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं ना, फोटो लेते हैं तो अच्छा लगता है। मैं बाहर से लगाती हूँ, अंदर से लगा लूँगी। देखा दिखाई दे, देखा और ये लग गया नज़र का टीका। ये ना लेफ्ट साइड की आईब्रो होती है ना उसके साइड में लगाते हैं, बीचों बीच नहीं लगाते, और ऐसे भी अच्छा लुक भी आ जाता है। जैसे मैंने काजल वगैरह लगाया उसको लाइनर वगैरह, ऐसे वाले ऐसे वाले ये देख सकते हो, पतले हैं इनके बहुत, तभी मैं बना रही हूँ। हाँ तो मोटे होते तो मेरे कान में नहीं आते, आते भी नहीं और बनाते भी नहीं। दूसरा बन गया, पता भी नहीं चला। हाँ जी तो ऐसे बने, देख कर हो गया ना दूसरा। नहीं देख रहा ना, शानवी को रहे ना और दर्द मिट्टू को रही है। तो बस ये हो गई रेडी, और बस अभी जल्दी में रुक जा, रुक जा, रुक जा, 2 मिनट रुक जा, फिर मैं तेरे एक क्लिप तले देती हूँ। ओहो इधर को तो अंधेरा ही आ रहा है, इधर को अंधेरा रहा है। और देखो बारिश भी हुई आज थोड़ी थोड़ी, अभी आ रहा है ठीक है। हाँ चलने की बारी, ठहर इधर को दिखा तो बोला कैसे, आंखें बंद करते हैं। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी मेकअप हुई इसकी लिपस्टिक के साथ, सारा मेकअप। अच्छा एक और रुक जाओ भाई, इसको ले जाओ, इतनी भी जल्दबाजी कहाँ हो रही है।
ओके बाय बाय। और ये नहीं जा रहा है स्कूल, देख लो आप, ये किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कितनी गंदी बात है। और इसने मेरे को बताया भी नहीं, जब लास्ट डे था तब बताया इसने कि मैं तो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। वाह 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 वाह, तब फिर लास्ट डे तो फिर नहीं करवा सकते ना, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। देख ले शानवी को, हर चीज में आगे रहती है ये, आता है तो तुझे सीखना चाहिए था ना, और मुझे बताना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे फंक्शन हो रहा है और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। गंदी बात, आगे से करेगा सॉरी मांग कान पकड़ के, और आगे से करेगा ना हर फंक्शन में पार्टिसिपेट, डांस में भी जाएगा ना स्टेज पे। हाँ ठीक है। हेलो, ये खुद खुद अपनी वीडियो बना रहा है, देखते हैं कैसा बनता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। पता नहीं अभी देख के पता चल गया, क्योंकि ये बैक कैमरा से बना रहा है। और कुछ बोलना, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोल। हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को। और कुछ? और मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं गया हूँ। क्यों नहीं गया है? क्योंकि मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? गंदी बात होती है नहीं पार्टिसिपेट करना, अच्छी बात होती है। अच्छा हाँ जी। और आज ठंड थी इसलिए फिर ये और चार कपड़े पहने हुए मैंने। चार कपड़े मैंने बताया कौन कौन से? एक ये हुडी, एक ये स्वेटर, उसके अंदर स्वेटर फिर इनर। वाह वाह वाह, तू तो इतना ज्यादा दिखा जरा, कहाँ है कितनी ठंड है। वाह देख सकते हो, ये है बाहर मौसम, देख सकते हो अभी थोड़ी देर के बाद फिर से बारिश होगी, और अभी पाला पड़ा बारिश हुई थी, ये देख सकते तुम्हारे बैग। ये स्टैंड वीडियो बनाने के काम आता है, कबाड़ क्यों रख रहे हो, बिक जाएगा। काम की है तुम्हारी ये चीजें? हाँ मेरे काम की है, ये खेलने के लिए, खेलने की काम की है मेरी। पोचा लग रहा है, पोचा 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 पोचा। पोचा 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 लगेगा। आज ये मिट्ठू की ब्लॉगिंग हो गई भाई, कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बस फिर अभी पोचा पोचा लगा करके, आजकल ठंड थोड़ा ज़्यादा हो गई है ना, सुबह शाम जो हल्की फुल्की बारिश हुई थी ना तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गई। और बस फिर पोचा लगाऊंगी, झाड़ू पोछा साथ साथ ही चला हुआ है, पहले झाड़ू लगाया ना मैंने, फिर यहाँ पर अटक गई थी और फिर उसके बाद पोछा लगा करके, क्योंकि हॉल में ना मतलब वाइट कलर की टाइल्स है तो अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर पड़ जाता है ना, और बच्चों के साथ तो आपको पता ही है, साथ में फिर वॉशरूम भी है तो थोड़ा सा फिर वो ज़्यादा मतलब मैली जैसी अजीब जैसी दिखाई देती है, तो सबसे पहले वहाँ पे ही लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि भाई अचानक कोई आ जाता है ना तो थोड़ा फिर अजीब जैसा फील होता है, इसीलिए सबसे पहले उधर की ही सफाई होती है। अच्छा फिर सारी साफ़ सफाई करने के बाद हम पहुँच गए मैं और मिट्ठू दोनों ही नीचे डैडी जी के रूम में, यहाँ पर भी ये सारा ठीक किया। और वैसे तो यहाँ पे कोई छेड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार में क्या झाड़ू लगा करके आते हैं। तो बस आज के लिए ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे।